बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, मैं हूँ आपकी टीचर शुमाइला साहब। आज मैं आपको बताऊँगी स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सीजन एटम के बारे में। ये हमने मॉडल बनाया है स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सीजन एटम का। इसमें हमारे पास ब्लू कलर से प्रोटॉन्स हैं, ये न्यूट्रॉन्स को इंडिकेट करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स को, और ये न्यूक्लियस को। न्यूक्लियस है हमारे पास, और ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसके अलावा ये हमारे पास ब्लू कलर में प्रोटॉन्स हैं और ये न्यूट्रॉन्स हैं। तो ऑक्सीजन एटम, जैसा कि आप जानते हैं, ऑक्सीजन एटम जो होता है उसके एटॉमिक नंबर 8 होता है। जानते हैं कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। तो लिहाजा हमारे पास ऑक्सीजन के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स अरेंज होंगे स्ट्रक्चर में। ये हमारे पास एनर्जी लेवल्स भी इनको कह सकते हैं, शेल्स भी कह सकते हैं। तो ये एनर्जी लेवल आपके पास K है और ये N है। तो यहाँ पर फर्स्ट एनर्जी लेवल में यानी के शेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि फर्स्ट एनर्जी लेवल या के शेल जो है वो सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर एकोमोडेट कर सकता है। इसी तरह से सेकेंड एनर्जी लेवल जो है वो एन शेल है, और 8 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स से फर्स्ट शेल में आ गए तो पीछे हमारे पास 6 बच जाते हैं। तो लिहाजा यहाँ पर एन शेल में जो कि सेकेंड एनर्जी लेवल है हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इस तरह से ये हमारे पास मॉडल है ऑक्सीजन एटम का, जो कि 6 ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल में पाया जाता है। इसका एटॉमिक नंबर 8 और मास नंबर 16 है, और इसके अंदर 6 प्रोटॉन्स का नंबर जो है वो भी 6 होगा, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर भी 6 होगा, जबकि न्यूट्रॉन का नंबर भी 6 है। थैंक्स।